हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन इन लिविंग बींग्स को पढ़ाएंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है? क्लासिफिकेशन होता है जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग स्पीसीज को आइडेंटिफाई करें, उसका नेमिंग करें और फिर उसका ग्रुपिंग करें। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि हम पता करें कि इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर हैं, किस किस कैरेक्टर्स के साथ में इसकी स्पेशलिटी है, फिर उसको उस कैरेक्टर के बेसिस पर उसका नाम यानी कि उसकी नेमिंग करें और फिर उसको उस पर्टिकुलर एक ग्रुप में क्या कर दें, उसको रख दें, जिससे कि हमें ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप का स्पीसीज है। तो क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारी हिस्ट्री में, तो हमारे फादर ऑफ साइंस जिन्हें हम बोलते हैं, उनका नाम था एरिस्टोटल। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बीच में कैरेक्टर्स देखे थे कि कोई भी एनिमल जो होता है उसके अंदर उसका ब्लड होता है, एनिमल जो होता है वो सरफेस पर भी रहता है, वाटर के अंदर भी रहता है। ये सब कैरेक्टर देखकर उसने ये बताया था कि इन कैरेक्टर के बेसिस पर भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यानी उसने हायरार्कली कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। यानी कि एरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ जो एक मेन उसके किसी भी लिविंग बींग्स के, मोस्टली एनिमल्स और मैमल्स के उसने बताए थे कि क्या मतलब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसको क्लासिफाई उसने किया था। बट उसने किसी भी कैरेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं डाला था। यानी कि उसने किसी किंगडम या फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को नहीं बताया था। ये हमारे स्वेडिश एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो भी स्पीसीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डालने से पहले उनको ये पहचानना चाहिए कि वो किस किंगडम से हैं, उनकी फैमिली क्या है, उनकी जीनस क्या है, उनकी स्पीसीज क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। ये एक सिस्टम कार्ल लिनियस ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था और उसको क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया था, प्रपोजल रखा था कि क्लासिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीसीज का पर्टिकुलर ग्रुप में डालने से पहले उसका क्लासिफिकेशन इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर होना चाहिए कि वो उसका किंगडम क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी क्लास क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और उसके स्पीसीज वो किस स्पीसीज से है। पर कार्ल लिनियस ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ टू किंगडम सिस्टम को ही बता पाया था। टू किंगडम सिस्टम मतलब कि उसने लिविंग स्पीसीज को सिर्फ और सिर्फ टू किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एनिमिलिया और प्लांटी। यानी कि उसने सिर्फ और सिर्फ एनिमिलिया और प्लांटी के बीच में ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर लिया। यानी कि एनिमल्स तो सारे एनिमिलिया के अंदर आ गए और प्लांट्स जो हैं प्लांटी के अंदर आ गए। बट आगे चल के हैकल ने थर्ड किंगडम सिस्टम दिया और उसने ये बोला कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ टू किंगडम सिस्टम में नहीं आते हैं। ये और जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं एनिमल प्लांट्स के अलावा और भी स्पीसीज हैं जो कि क्लासिफिकेशन में आती हैं। बट उसने क्या किया था कि प्लांटी और एनिमिलिया के बाद में जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनको एक अलग किंगडम में डाल दिया, जिसका कोई नाम उसने नहीं दिया था। ऐसे ही उसने फोर्थ किंगडम सिस्टम दिया। फोर्थ किंगडम सिस्टम में उसने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए उसने देखा कि ना सिर्फ तीन किंगडम्स को हम आइडेंटिफाई करें, एक फोर्थ किंगडम सिस्टम भी है जिसको हम आइडेंटिफाई करके उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पर उसने ये भी बोला था कि सिर्फ किंगडम्स यहाँ फोर्थ किंगडम की स्टडी पे ही ख़त्म नहीं होते हैं। बट हैकल पे आगे की किंगडम्स की स्टडी नहीं हो पाई। फिर हमारे जो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आर एच विटेकर,
उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया और उन्होंने कार्लिनियस के जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया था किंगडम क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज इनके बेसिस पर उसने फाइव किंगडम सिस्टम को देकर सभी के सभी जितने भी हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्पेसिफाई किया, उनको क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करके उनके करेक्टर के बेसिस पर उनको अलग 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 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो फाइव किंगडम सिस्टम में अगर हम ये देखें तो सबसे पहला, अगर सबसे प्रिमिटिव होता है, सबसे पुराना, यानी कि सबसे पहले अगर किसी किंगडम को देखा गया था तो वो था हमारा मोनेरा। उसके बाद आता है प्रोटेस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटे और उसके बाद एनिमिलिया। जो हमारा मोनेरा होता है, अगर हम ये जो जितने भी फाइव किंगडम हैं हमारे फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर, ये जितने भी हमारे ये मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया आ रहे हैं, इनको अगर हम देखें तो इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर ही हम इनको क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इनको पता लगा सकते हैं कि अच्छा इस कैरेक्टर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये पर्टिकुलर इस ग्रुप में हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो कैरेक्टर क्या है, टाइप ऑफ सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी टाइप ऑफ सेल कैसी हो सकती है। तो मोनेरा के अंदर टाइप ऑफ सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होती है। टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल टाइप होती है ये प्रिमिटिव जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल आती है। यूकैरियोटिक जो हमारे फर्दर जो जितने भी डेवलप्ड और एडवांस जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल टाइप देखा जाता है। तो यानी कि मोनेरा को छोड़ के जितने भी हमारे बाकी के चार किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सब में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल आती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के अंदर सेलुलोस जो होता है सेल वॉल के अंदर वो लेस अमाउंट में होता है, पर इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है जो कि अमीनो एसिड के साथ प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम देखें तो सेल वॉल जो होती है वो कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ के अंदर एब्जेंट होती है। फंजाई की बात अगर करें, फंजाई के अंदर ये प्रेजेंट होती है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है और उसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अगर किसी भी सेल के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसकी सेल होती है, सेल वॉल है, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये अगर हम देखें तो मोनेरा के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है और प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमिलिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। यानी कि एनिमल के अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर न्यूट्रिशन मेथड की बात करें, न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी लिविंग बींग्स अपना खाना किस तरीके से बना रहा है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से हो रहा है। अगर वो अपना खाना खुद बनाता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ, यानी कि प्लांट्स जैसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। और अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए वो होता है हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आता है, प्रोटिस्टा जो होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, फंजाई के अंदर हेटरोट्रॉफ, प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ और एनिमिलिया के अंदर हेटरोट्रॉफ, यानी कि टू किंगडम्स हैं जिनके अंदर हेटरोट्रॉफ है, यानी कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए, वो है फंजाई और एनिमिलिया। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है कोई भी तो उसका
प्रोडक्शन आगे फर्दर होता रहता है उसके मदर्स या पेरेंट्स के थ्रू। या अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो मोनेरा में कॉपुलेट होता है, प्रोटिस्टा के अंदर गैमिट फ्यूजन भी होता है, साथ में कॉपुलेशन भी होता है, प्लांटी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मेल्स जायगोट। तो प्लांटी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फंजाई के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है, और एनीमिलिया के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन कैरेक्टर के बेसिस पर आर एच विटेकर ने पांचों किंगडम्स को क्लासिफाई किया था। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बेसिस पर हम हर किंगडम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन इन लिविंग बींग्स ख़त्म होता है। थैंक यू।